बात करने के लिए लॉगिन करें www.astrotak.com। फ्रेंड्स नमस्कार, मैं हूं आपका फ्रेंड कमल नंदलाल और मैं आप सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। एस्ट्रो तक की खास प्रस्तुति कमल नंदलाल के महा उपाय जो आपके जीवन को सरल, सुगम और सफल बनाए, सिर्फ एस्ट्रो तक पर। दोस्तों, इस प्रोग्राम का उद्देश्य ही है कि बहुत सरलता से और शास्त्रीय उपायों से आपके जीवन की जटिल से जटिल समस्या का सरल से सरल समाधान किया जाए। कोई भी उपाय उलझूल नहीं, सब शास्त्र के अनुसार, जैसा शास्त्र कहता है। क्योंकि कुछ उपाय लोग ऐसे भी देते हैं जिनका शास्त्र से कोई संबंध नहीं है, सिर्फ वीडियो बढ़ाने के लिए। लेकिन कुछ ऐसे शास्त्र हैं, उनमें से अग्मा तंत्र एक शास्त्र है और बहुत सारे ऐसे शास्त्र हैं जिनके नाम भी लोगों ने नहीं सुने, उसमें बहुत कारगर उपाय दिए हुए होते हैं। और ऐसे ही उपाय लेकर हम आपके सामने प्रस्तुत होते हैं और आज का हमारा विषय भी बहुत ही और बेहद खास है। आइए जानते हैं इस बारे में। दोस्तों, आज का जो हमारा विषय है वो बेहद खास है। नींबू का टोटका दिलाएगा मुकदमों में जीत। कैसे मिलेगी मुकदमों में जीत? व्यक्ति न्यायालय और शनि के जब हवाले हो जाता है ना, तो उसके जीवन में चक्रवात शुरू हो जाता है, चक्रव्यूह। किसी भी न्यायालय में जाना, ये मान लीजिए, एक भयावह वाली चीज है एक आम आदमी के लिए। और वहीं जो न्याय की प्रैक्टिस करते हैं उनके लिए उनका दैनिक जीवन है, क्योंकि उनका कर्म इसी के साथ जुड़ा है। उसी प्रकार से जैसे अस्पताल के चक्कर लगाना बड़ा समस्यावान है, लेकिन डॉक्टर्स, नर्सेस और कंपाउंडर्स के लिए बहुत आसान है, एक आम व्यक्ति के लिए मुकदमा या मुकदमे में फंस जाना बेहद बेहद आघात वाला होता है, मानसिक आघात वाला। देखिए, खास पर्व है वो है सावन की दुर्गाष्टमी, और इस बारे में हम जानते हैं। देखिए, सावन के कृष्ण पक्ष की जो अष्टमी तिथि होती है वो भी बेहद खास होती है, और विशेष रूप से इसे दुर्गाष्टमी तो नहीं कहेंगे लेकिन ये अष्टमी जरूर है, बड़ा खास दिन होता है। और इसमें जो सुबह का समय होता है वो बेहद खास है। तो ये अष्टमी है, सावन के कृष्ण पक्ष की अष्टमी। शुक्ल पक्ष की अष्टमी को दुर्गाष्टमी कहते हैं, लेकिन कृष्ण पक्ष की अष्टमी पर कालाष्टमी मनाई जाती है। लेकिन जो सुबह का समय होता है अष्टमी का, वो देवी पूजन के लिए विदित है। तो सावन के कृष्ण पक्ष की अष्टमी पर केतु का नक्षत्र है अश्विनी, और जिसके कारण से सर्वार्थ सिद्धि योग है। तारीख कौन सी वो भी बता देता हूं आपको। तारीख जो है वो गुरुवार 21 जुलाई 2022, और इस दिन विशेष केतु का नक्षत्र बन रहा है। केतु खट्टी चीजों पर रूल करता अपना, और इस दिन विशेष रूप से बगलामुखी का पूजन किया जाएगा, क्योंकि केतु को कहते हैं देवीदास। और बगलामुखी का विशेष जो उपाय है वो आपकी न ही सिर्फ किस्मत को चमका सकता है, मुकदमों में जीत भी दिला सकता है। देखिए, आठवीं महाविद्या है बगलामुखी, और इनका कलर, इनका रंग जो वो हल्दी के समान पीला है, इन्हें पीताम्बरा भी कहते हैं। ये स्तंभन की देवी है, और जो शब्द बगला है वो संस्कृत भाषा के वल्गा शब्द का अपभ्रंश है, मतलब दुल्हन का फेस, दुल्हन का हम मुंह दिखाई देते हैं ना, दुल्हन के मुंह दिखाई देते हैं बड़े बुजुर्ग भी, और तो वो दुल्हन का फेस जिस पर हल्दी लगी हो, पीली कांति, पीली आभा लिए, वो है बगलामुखी। और ये शिव की दुल्हन है, इनके अलौकिक सौंदर्य और स्तंभन शक्ति के कारण ही इन्हें नाम मिला है। शास्त्र रुद्रामल तंत्र के अनुसार माता बगलामुखी बगलेश्वर शिव की अर्धांगिनी है। बगलेश्वर देवी बगलामुखी शत्रुओं की बोलती बंद कर देती हैं, मुकदमों में जीत दिलवाती हैं, शारीरिक सुरक्षा मिलती है, और पारिवारिक क्लेश जो है वो समाप्त होते हैं। तो विशेष मैं आपको बता दूं कि एक विशेष मंत्र भी आपको बताऊंगा, लेकिन उपाय क्या करना है वो आप सुनिए।
12 नींबू ले लीजिए और 12 नींबू जो है मौली में पिरो लीजिए और घर के ईशान कोण में आप पीला वस्त्र बिछाकर इनकी पूजा कीजिए। धूप दीप पुष्प गंधन अवैध, पीली चीजें ही चढ़ाइए सारी, पीले फूल, हल्दी, गुड़, चना दाल वगैरह वगैरह, और एक विशेष मंत्र का यथासंभव जाप करें। मंत्र है ओम ह्लीं बगलामुखी सर्व दुष्टानां वाचम मुत्खम पदमस्तंभ जिवहाम कील बुद्धिम विनाशय ह्लीं फट स्वाहा। आश्वस्त करता हूँ आपको मुकदमों में जीत मिलेगी। 12 नींबू की माला माता बगलामुखी कर पहनाइए और अगले दिन इसे जल प्रवाह कर दीजिए। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, कल आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक देखते रहें आप ही का अपना चैनल एस्ट्रो तक। इजाजत दीजिए, नमस्कार, नमः शिवाय।